गाइस आज जो मेरे साथ में दो ऐसी एसयूवीज हैं जो वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन को कंप्लीटली डिफाइन करती हैं, दीज आर नन अदर देन होंडा एलिवेट एंड सिट्रोन C3 एयरक्रॉस। दोनों ही गाड़ियों के अंदर हालांकि एक ही इंजन ऑप्शन दिया गया है, बट इस पेट्रोल इंजन का कोई तोड़ नहीं है, जबकि यहां पर दिया गया है आपको एक परफॉर्मेंस 1.2 लीटर टर्बो इंजन। तो चलिए दोस्तों इस डिटेल कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं। जस्ट इन केस यू आर न्यू टू दिस चैनल, कंसीडर दिस चैनल सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट आप मिस कर रहे हो। तो चलिए सबसे पहले C3 एयरक्रॉस के बारे में बात करते हैं। यहां पर लगी हुई ये ब्लैक पियानो फिनिशिंग जो बहुत अमेजिंग लग रही है एंड बहुत सारे एयरवेंट इसके अंदर ऑफर किए गए हैं। हालांकि ये आपको देगी नॉर्मल हैलोजन लैंप एंड रिफ्लेक्टर बेस इसका हेडलाइट यूनिट है। चाहे आप बेस खरीदें चाहे टॉप खरीदें, LED DRLs आपको ऑफर होती हुई नजर आएंगी। अटेंशन टू डिटेल, यहाँ देखिए सिट्रॉन का लोगो, यहाँ पर जो बैजिंग है वो इसके DRL के अंदर ऑफर होती है। नीचे भी आपको फॉग लैंप यूनिट दी गई है एंड अच्छी लगती है ये फ्रंट प्रोफाइल से। C3 एयरक्रॉस C3 से काफी इंस्पायर्ड है, बट इसके लुक्स C3 से काफी डिफरेंट है। इस तरफ अगर आप देखोगे तो आपको LED DRL के साथ साथ प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप बेस वेरिएंट से मिलती है एंड यहाँ पर सिंगल प्रोजेक्शन नहीं डुअल प्रोजेक्शन ऑफर की गई है विद LED DRLs, यानी कि इल्यूमिनेशन के मामले में एलिवेट का कोई तोड़ नहीं है, कोई जवाब नहीं है। नीचे फॉग लैंप यूनिट हालांकि एम्प्टी है, वहां पर केवल हाउसिंग लगी हुई है। इसकी ग्रिल देखिए काफी बड़ी है और यहाँ पर भी चंकी क्रोम का इस्तेमाल किया गया है और ये इसका बाय द वे सेकेंड वेरियंट है, यानी कि V वेरियंट है और इसके अंदर CVT भी स्टार्ट हो जाती है। गाइस दोनों ही गाड़ियों के प्राइसेस काफी कॉम्पिटेटिव हैं। ये वैसे तो 9,99,000 रुपए से स्टार्ट होती है, जबकि एलिवेट 1,00,000 रुपए महंगी है एंड प्राइस करती है यहाँ पे 10,99,000 रुपए। साथ ही अगर इन दोनों के वेरिएंट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर 3 वेरिएंट आते हैं, U+ एंड मैक्स। इसका जो मैक्स वेरिएंट है वो 12,34,000 रुपए के करीब कॉस्ट करेगा आपको एक्सशोरूम, और यहाँ पर एलिवेट के जो प्राइसेस हैं 12,10,000 रुपए कॉस्ट करते हैं इसके V वेरिएंट, यानी कि सेकंड वेरिएंट के। दो वेरिएंट जो है वो काफी कॉम्पिटिटिव है और इन दोनों को ही आज हम क्विक रिव्यू करेंगे। गाइस साइड प्रोफाइल से अगर आप देखेंगे तो यू गेट डुअल टोन एलॉय व्हील्स और यहां पर अगर आप देखेंगे 215 60 रेडियल 17 इंचेस के टायर्स हैं, मैकफर्सन स्ट्रट्स लगे हुए हैं। साइड प्रोफाइल में काफी सारा डुअल टोन ट्रीटमेंट है, यहां पे आपको रूफ रेल्स भी ऑफर किए गए हैं, बट सैडली कीलेस एंट्री तो मिलती है बट पैसिव कीलेस एंट्री यहाँ पर ऑफर नहीं की गई है एंड रेगुलर डोर हैंडल्स बार ही आपको मिलेंगे जो जनरली आप एंट्री लेवल गाड़ियों में देखते हैं। गाइस होंडा एलिवेट के इस वेरिएंट में अगर आप देखें तो 215 सेक्शन के टायर्स हैं, 60 रेडियल 16 इंचर्स मैकफर्सन स्ट्रट्स हैं, लेकिन यहाँ पे स्टील रिम्स मिलेंगे। ORV में टर्न इंडिकेटर है सेम एज C3 एयरक्रॉस एंड शोल्डर लाइन पर भी आपको क्रोम की फिनिशिंग मिलेगी जो C3 एयरक्रॉस में मिसिंग है। प्लस देयर इज अ पैसिव कीलेस एंट्री यहाँ पर और जिसके रिक्वेस्ट बटन दोनों साइड ही ऑफर की गई है। रूफ रेल्स हालांकि इस वेरिएंट में नहीं आता है बट यू गेट द शार्क फिन एंटीना, दोनों ही गाड़ियों में शार्क फिन एंटीना दिया गया है। C3 एयरक्रॉस के रियर प्रोफाइल से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टेल लाइट यूनिट जो है वो LEDs का इस्तेमाल किया गया है। C3 एयरक्रॉस की बैजिंग इधर मिलती है, यहाँ पर भी डुअल टोन ट्रीटमेंट है। रियर लुक में ये लिटरली काफी कॉम्पिटिटिव लगती है और मुझे वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग रियर प्रोफाइल लगती है ये सेगमेंट में, विद हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स एंड डिफॉगर यूनिट हियर। वाइपर सेट भी मिलता है, स्पॉयलर भी आपको ऑफर किया गया है एंड वो तमाम चीजें जैसे कि पीछे के पार्किंग सेंसर्स एंड रिवर्स पार्किंग कैमरा दोनों ही ऑफर किए गए। गाइस होंडा एलिवेट की जो रियर प्रोफाइल है उसमें भी LEDs का इस्तेमाल किया गया है, होंडा की बैजिंग इधर है, 2 की जगह 4 पार्किंग सेंसर यहाँ पर ऑफर किए गए हैं, प्लस का पार्किंग कैमरा भी नीचे हिड है। हालांकि कोई वाइपर सेट नहीं दिया गया है बट डिफॉगर यूनिट आपको मिलती है और इसकी जो रियर प्रोफाइल है वो लिटरली काफी सूट करती है होंडा एलिवेट पर। दोस्तों C3 एयरक्रॉस के अगर हम बूट के बारे में बात करें तो
ये 7-seat configuration के अंदर आती है, तो ये फ्लैट नहीं है, बट आपको बहुत सारा अमाउंट ऑफ बूट स्पेस ऑफर करेगी। आप चाहे तो इन सीट्स को रिमूव कर सकते हैं, तब ये बूट जो है वो काफी हद तक नॉर्मलाइज हो जाती है, बट बूट मैनेजमेंट एक्चुअली बहुत अच्छा नहीं कह सकते हो बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ 7-seat कॉन्फ़िगरेशन। उनको अकोमोडेट करने के लिए भी आपको बूट को मैनेज अच्छे से करना पड़ेगा, वो यहाँ पर लगता है। हल्की सी लोडिंग लिप है और बूट स्पेस इज गुड इनफ। अगर ये सीट्स हट जाए तो आपके पास में सबसे बेहतरीन बूट यहाँ पर C3 Aircross ऑफर करती है। दोस्तों होंडा एलिवेट की जो बूट है वो 458 लीटर्स की है और कमाल की बूट है। बूट मैनेजमेंट इज गुड, यहाँ पर लोडिंग लिप भी आपको थोड़ी सी मिलती है, बहुत बड़ी लोडिंग लिप नहीं है। आपके पास में पार्सल ट्रे ऑफर की गई है एंड वो तमाम चीज जो है यहाँ पर है, जैसे कि आपके पास में हुक दोनों साइड दी गई है एंड 6:40 में स्प्लिट होने वाली ये सीट्स भी यहाँ आपको मिलती है। तो आई लव द बूट, दोनों ही गाड़ियों के बूट जो है वो एक्चुअली स्पेशियस है, तो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज बूट को लेके आपको नहीं करना पड़ेगा। गाइस ये जो इंजन ऑप्शन है यहाँ पर 1.2 लीटर का पेट्रोल टर्बो इंजन ऑप्शन यूज किया गया है, 110 bs की पावर यूज करता है और आपको देगा 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क। बट द सैड पार्ट इज यू गेट सिंगल मैनुअल ट्रांसमिशन है, 6-speed का मैनुअल ट्रांसमिशन ऑफर किया गया है, जबकि एलिवेट के पास में सीवीटी का ऑप्शन यहाँ पर उस वाले वेरिएंट से अवेलेबल हो जाता है। दोस्तों एलिवेट के अंदर जो आने वाला इंजन है वो एक 1.5 लीटर का इंजन है, इट इज द सेम इंजन विच इज ऑल्सो ऑफर्ड इन होंडा सिटी और ये काफी अच्छे फिगर्स प्रोड्यूस करता है, 121 bs की पावर ये प्रोड्यूस करता है, डिसेंट अमाउंट ऑफ टॉर्क देता है, काफी पंची है, आपको मजा आएगा इस इंजन को चलाने में। ज्यादा रिफाइंड है कंपेयर टू C3 Aircross, बट C3 Aircross का जो इंजन है वो ज्यादा आपको टॉकी महसूस कराएगा, वो बहुत तेज जो है वो पिक करेगा एग्रेसिव ड्राइविंग में, वो ज्यादा कामयाब है। बट इसका जो है वो ट्राइड एंड टेस्टेड होंडा का इंजन का कोई जवाब एक्चुअली में नहीं है। C3 Aircross में ना लेदरेट टच के साथ में स्टीयरिंग कॉलम आता है और दोनों साइड ही जो है आपके पास में कंट्रोल्स हैं, बीच में सिट्रों का लोगो है। अच्छी बात यह है कि आपके पास में एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो एक्चुअली अच्छे टच रिस्पांस के साथ में आता है एंड द बेस्ट पार्ट इज के अंदर आता है वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, तो ये एडवांटेज जरूर है ओवर एलिवेट। यहाँ पे एसी वेंट्स एंड स्टोरेज स्पेस अगेन कुछ उसी तरीके से जैसे एलिवेट में दी गई है यहाँ पर भी मिलता है, कप होल्डर मिलता है, सारे स्टोरेज स्पेसेस है। एक डिसएडवांटेज जरूर है, एक तो इंडिविजुअली प्लेस यहाँ पर जो है आपके पास में आर्मरेस्ट है, तो अगर पैसेंजर साइड को इस्तेमाल करना हो तो वो नहीं कर सकते। एंड द सेकेंड पार्ट इज आप यहाँ पे जो विंडो पैनल पे कंट्रोल देखेंगे तो वो आगे के लिए ही है, वो रियर विंडो के लिए यहाँ पर पोजिशन है, जो फ्रंट एंड रियर दोनों के लिए ही थोड़ा एक्सेसिबल इशू जरूर होता है। एक तो ये अगर मैं चाहता हूँ कि पीछे मुझे चाहिए कि मैं पीछे के कंट्रोल्स भी एक्सेस कर सकूँ, तो वो जो पीछे के कंट्रोल्स हैं वो मैं भी एक्सेस कर पाऊंगा, पैसेंजर भी एक्सेस कर पाऊंगा, पीछे के जो पैसेंजर्स हैं वो भी एक्सेस कर पाएंगे। अगर मैं यहाँ के पीछे के विंडोज को लॉक करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ पीछे वाले पैसेंजर अगर कोई इन्फेंट बैठा है, छोटे बच्चे बैठे हैं या 10 साल से ऊपर के बच्चे बैठे हैं और मैं नहीं चाहता कि वो विंडो को रोल डाउन करे, तो मैं यहाँ से लॉक नहीं कर सकता ना मैं इधर से लॉक कर सकता हूँ, तो लॉकिंग मैकेनिज्म यहाँ नहीं प्रेजेंट है। बाकी अगर हम ग्लव बॉक्स के बारे में बात करें तो अच्छा ग्लव बॉक्स है, प्रैक्टिकल ग्लव बॉक्स है, सामान ज्यादा स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे RPM आपको मैनुअल मिलता है, सो इज इन द एलिवेट। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इज वन से सिंगल डिजिटल पार्ट पे रखा गया है जो एलिवेट के अंदर एक्चुअल में नहीं ऑफर किया गया है, वहां पर एनालॉग ही आपको मिलेगा। गाइस एलिवेट के अंदर जो इंटीरियर्स है वहां पर मैं आपको बता देता हूँ, तो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल है बट ऑन द लेफ्ट पार्ट ओनली, नो लेदरेट टच हेयर और इंजन स्टार्ट्स ऑफ बटन जरूर आपको यहाँ पे दिया गया है, विच इज अ बेटर एड ऑन। यहाँ पे ब्राइटनेस के लेवल्स हैं और आप चाहें तो यहाँ पर ट्रिप मीटर को भी जो है यहीं से कंट्रोल कर सकते हो। अगेन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एक टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है जो एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले एंड रिवर्स कैमरा को असिस्ट करता है, यहाँ पे वायरलेस नहीं है बट हाँ वायर्ड जरूर है, तो एक एडवांटेज ये है। टच रेस्पॉन्स इसका ठीक है, डिसेंट परफॉर्मेंस आपके पास में आती है। यहाँ पे डुअल टोन ट्रीटमेंट दी गई है एंड सैटिन फिनिश के साथ में यहाँ पर जो प्लास्टिक दी गई है, इनफैक्ट यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपके पास में काफी रगेड हार्ड टॉप जो है वो दिया गया है, हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो आपके पास में रेगुलर फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है इसके सीट्स में, नो लेदरी टच बट हाँ कुशन काफी अच्छा है और रिक्लाइन एंगल आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये 6-way एडजस्टेबल सीट्स है, 2 and 4 ऊपर एंड नीचे एंड रिक्लाइन एंड डिक्लाइन कर सकते हो। हेडरूम तो ऑब्वियसली आप यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हो बट मेरी हाइट 5'10" है, उस हिसाब से बहुत अच्छा हेडरूम आपको यहाँ पर मिलता है। स्टोरेज स्पेस की कमी नहीं है यहाँ पर ऑफर किया गया है, 2 USB स्लॉट्स हैं, कैन होल्डर है, यहाँ पर स्पेस है एंड एक आर्मरेस्ट भी ऑफर किया गया है विद सम स्टोरेज स्पेस, यहाँ ग्लव बॉक्स भी ऑफर किया गया है और अगर आप चाहें तो
तो यहाँ पर जो है वो इस तरह बॉटल होल्डर दी गई है जिससे यहाँ पर रखे हुए सामान भी स्टोर कर सकते हैं। गाइस इजी इंग्रेस यहाँ पर भी है और अगर आप यहाँ देखेंगे तो क्योंकि थर्ड रो भी यहाँ पर जो है वो इंट्रोड्यूस कर रही है तो यहाँ पे नी रूम एज कंपेरेबल एलिवेट नहीं है। अंडर थाई सपोर्ट इज डिसेंट इनफ एंड सो इज द लेग रूम कंपेरेटिव टू एलिवेट। गाइस एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको यहाँ पर भी देखने को नजर आएंगे और आप अपने नीड के हिसाब से इनको एडजस्ट भी कर सकते हैं। I get enormous amount of headroom here. कमाल का headroom है। 5'10" मेरी height है। Floor mounted आपको AC vents मिलते हैं जो ज्यादा cooling आपको देंगे क्योंकि आपके सीधा face पर जो है वो ये blower को force करेंगे, हवा को जो है वो force करेंगे। यहाँ पर 3 level तक आप इनको adjust कर सकते हो और आपके पास में पीछे light भी है एंड एक छोटी बॉटल होल्डर आपको इस साइड में देखने को नजर आएगी। बीच वाले पैसेंजर के लिए भी छोटा सा हेडरेस्ट जो है वो यहाँ पे ऑफर किया गया है। ग्रैब हैंडल यहाँ पर भी ऑफर की गई है बट उसके अंदर भी कोट हुक नहीं है। शोल्डर रूम, अंडर थाई सपोर्ट एंड बाकी स्पेसेस जो है वो काफी अच्छी हैं। 2 USB slots आपको इधर भी देखने को नजर आएगी। दूसरे इसके थर्ड रो में चलते हैं क्योंकि एलिवेट के अंदर थर्ड रूम नहीं है। तो चलिए चलते हैं इसकी थर्ड रो में। गाइस यहाँ पर जो है वो काफी ज्यादा लेग रूम नी रूम तो नहीं है। इनफैक्ट अंदर का सपोर्ट भी एकदम जीरो है तो मैं तो बहुत ज्यादा देर तक यहाँ पर नहीं बैठ सकता। शायद 100 किलोमीटर मुश्किल से बैठ पाऊँ लेकिन यहाँ पर जो है वो बच्चों के लिए ये सफिशिएंट इनफ है। वो लोग वो बच्चे जो 12-13 साल से अंडर है वो यहाँ पर ईजिली जो है वो बैठ पाएंगे। मेरा तो हेड भी यहाँ पर जो है वो ब्रश हो रहा है तो सीट जो है वो इसीलिए 5+2 बोली गई है, नॉट एग्जैक्ट 7 seats जो है वो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ बोला गया है। आप चाहो तो इन सीट्स को हटा भी सकते हो और यहाँ पे कप होल्डर भी आपको देखने को नजर आएगा। दोनों साइड ही कप होल्डर है एंड दोनों साइड ही USB A type जो है वो स्लॉट्स भी यहाँ ऑफर किए गए हैं जबकि USB C type का यहाँ पर जो है ज़्यादा सामान है। इजी इंग्रेस है एलिवेट के अंदर एंड द बेस्ट पार्ट इज यू गेट इनॉर्मस अमाउंट ऑफ नी रूम हेयर। लेग रूम का कोई तोड़ नहीं, कोई जवाब नहीं है। पीछे एसी के वेंट जो है वो बॉटम माउंटेड है बट वहाँ पे कंट्रोल जरूर ऑफर किए गए हैं एंड एक 12 volt का USB slot भी आपको इस वाले वेरियंट में मिलता है अलॉन्ग विद एडजस्टेबल हेडरेस्ट। और हेडरूम जो है वो काफी कमाल का है दोस्तों। ग्रैब हैंडल मिलता है बट कोई कोट हुक यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो स्पेस के मामले में यहाँ पर अच्छा स्पेस है। अंडर थाई सपोर्ट की बात हो या शोल्डर रूम की बात हो अमेजिंग एंड कंफर्टेबल सीट्स के साथ में इसका जो रियर रो है मुझे अच्छा लगा। प्रैक्टिकल भी है क्योंकि 2 bottle holders आपको इधर देखने को नजर आते हैं। तो चलिए क्योंकि हम ड्राइव रिव्यू अब कर रहे हैं और ये देखिए कुछ इस तरीके की फॉब है इसकी लॉक अनलॉक मैकेनिज्म की C3 अक्रॉस की। स्टार्ट करते हैं और इसको कंपेयर करेंगे एलिवेट के साथ में। गाइस देखो एलिवेट के साथ में एक फैक्टर है उसके अंदर रिफाइनमेंट ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द 4-cylinder engine। यहाँ पर 3-cylinder होने की वजह से आपको रिफाइनमेंट इश्यूज लगेंगे, वाइब्रेशन थोड़ी थोड़ी जो है ओवर द बॉडी नजर आएगी आपको। बट द ओनली थिंग विच इज अनमैचेबल कंपेयर टू द एलिवेट एंड दैट इज द परफॉर्मेंस। ये इंजन आपको देगा अनमैचेबल एंड अनबीटेबल परफॉर्मेंस। ये देखिए वी आर ऑलरेडी एट 80, थोड़ा कम करते हैं। ये इंजन आपको एक्चुअली में काफी अच्छा ग्रंट देता है, काफी अच्छा बूस्ट देता है टर्बो वो चार्ज होने की वजह से। हालांकि ऑन डॉक्यूमेंट्स ये 110 PS प्रोड्यूस करता है जो कि 10 BHP तकरीबन कम है कंपेयर टू द होंडा एलिवेट। बट द फैक्ट इज जब आप इसको चलाओगे सिटी में तो ये अनमैचेबल परफॉर्मेंस देता है। तो वो ज़रूर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक फैक्टर है, बेहतरीन फैक्टर है और काफ़ी जो है आपको खुश करने वाला है कुछ ऐसा इंजन है। तो नो डाउट परफॉर्मेंस के मामले में इट इज़ क्लियर विन हेयर। हाँ एक चीज़ और है, जब आप स्टेयरिंग कॉलम को देखोगे तो उसका जो फीडबैक है वो अमेजिंग है। मतलब इन सिटी एंड इवन इन हाईवेज ये अच्छा खासा वेट जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम या ओवर हायर स्पीड जो है वो गेन कर लेता है। ब्रेकिंग अच्छे हैं इसके, कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्रेकिंग में। द बेस्ट पार्ट इज यू गेट वन ऑफ द बेस्ट इन सेगमेंट हैंडलिंग एंड स्टेबिलिटी हेयर बिकॉज ऑफ द सस्पेंशन सेटअप। जो मैकफर्सन स्ट्रट्स हैं और टॉर्शन बीम है वो उनका ट्विनिंग कुछ इस तरीके से किया गया है कि वो हाईवे पे बेहतरीन स्टेबिलिटी आपको देंगे एंड सिटी के अंदर एक अच्छी राइड क्वालिटी भी देंगे, आपको कंफर्ट जो है वो ज़्यादा देंगे। तो वो एक अच्छा एमलगम है। तो मुझे इसके सस्पेंशन सेटअप जो है वो काफ़ी अच्छे लगे, सीट्स भी जो है वो काफ़ी आपको लगेगा कि यार मतलब कंफर्टेबल हैं सीट्स। हालांकि ये सीट जो है वो एलिवेट के कंपेरिजन थोड़ी छोटी हैं साइज में और उसका ड्रॉबैक ऑब्वियसली हायर डिस्टेंसेज पे लॉन्गर डिस्टेंस पे आई वुड रदर से वो आपको महसूस होता हुआ नजर आएगा। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पर गियर चेंज की तो जो प्ले है
वो एलिवेट के कंपैरिजन थोड़ा सा ज़्यादा है। इनफैक्ट जो उसका क्लच है वो भी ज़्यादा हार्ड है कंपैरेटिव एलिवेट, तो वो फैक्टर ज़रूर जो है वो आपको नज़र आने वाला है यहाँ पे। एंड सिक्स स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है, तो आपको जो है बार बार गियर स्विच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप छोटे गियर पर भी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक जो है वो चला पाएंगे, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सो गाइस, ये है होंडा की की फॉब। C3 एयरक्रॉस से ज़्यादा बेहतर लगती है, इसके बेस वेरिएंट नहीं, पैसिव कीलेस एंट्री आती है, तो ज़्यादा बेटर यहाँ पर फील कराएगी। इंजन स्टार्ट ऑफ बटन आपको ऑफर किया गया है इस वाले वेरिएंट में, बेस में भी एंड टॉप में भी आपको दिया जाता है। एनीवे, हम जरा बात कर लेते हैं इंजन परफॉर्मेंस के बारे में। देखो, ये जो 1.5 लीटर का इंजन है, एनी डे इट इज़ मोर रिफाइंड, मोर रिलायबल, एंड मैं कहूँगा कि होंडा का एक्चुअली फैक्टर है रिलायबिलिटी में, तो वहाँ पर ज़रूर ये C3 एयरक्रॉस से ज़्यादा बेहतर है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस, C3 एयरक्रॉस का जो इंजन है वो ज़्यादा परफॉर्मी है, नो मैटर उसके पावर फिगर्स जो है वो एक्चुअली थोड़े कम है कंपैरेटिव टू होंडा एलिवेट, फिर भी वो ज़्यादा पंची महसूस करता है। ये अच्छा इंजन है, आपको इसका मिड रेंज काफ़ी पसंद आने वाला है। आपको रियलाइज होगा जैसे ही 70-80 किलोमीटर पर आर की स्पीड गाड़ी जो पकड़ती है, उसके बाद जो ये पंच देती है वो काफ़ी कमाल का है। एक बेहतरीन स्टेयरिंग कॉलम यहाँ पर जो है वो जो राइटली वेटेड है वो यहाँ पर ऑफर किया गया है, राइटली वेटेड, एंड मैं कहूँगा अच्छा फीडबैक आपको देगा जब आप इसको सिटी एंड हाईवे पे चलाएंगे। कोई भी बॉडी रोल की समस्या नहीं है, अच्छे ब्रेकिंग सेटअप्स यहाँ पर जो है इस्तेमाल किए हैं होंडा ने, तो अननेसेसरी का बॉडी रोल एक्चुअली इस गाड़ी के अंदर नहीं है, क्योंकि स्टेबिलिटी अच्छी है और सस्पेंशन सेटअप जो है वो बेहतरीन ट्यूब के हैं। अगर दोनों गाड़ियों के सस्पेंशन के बारे में बात की जाए तो एक्चुअल में दोनों ही गाड़ियों के सस्पेंशन काफ़ी कॉम्पिटिटिव हैं एक दूसरे को लेके। हाँ, यहाँ पर जो सीटिंग है वो ज़्यादा कम्फर्टेबल है कंपेरेटिव टू C3 एयरक्रॉस। बड़ी सीट्स हैं, डक शेप सीट्स हैं, मुझे ग्रैब कर लेती हैं। एर्गोनॉमिकली वाइज भी ये काफ़ी अच्छे जो है वो इसका डैशबोर्ड पैनल डिज़ाइन किया गया है, सारी चीज़ें ऑन टेप्स हैं, हाथ पे रहती हैं एकदम। सो कंफर्ट के मामले में, लॉन्ग ड्राइव के मामले में मुझे लगता है एलिवेट ज़्यादा बेहतर है, उसके मैकेनिकल्स पार्ट हो या उसकी सीटिंग ऑप्शन हो, कम्फर्ट हो, उसमें थोड़ा बेहतर जो है वो नंबर यहाँ पर C3 एयरक्रॉस से लेके आती है। हाँ, टेक्नोलॉजी के मामले में मुझे लगता है कि होंडा ने ज़्यादा बेहतर काम किया है, एंड टेक्नोलॉजी के मामले में और सारी चीज़ें भी जो हैं वो एक्चुअली में अव्वल नज़र आती हैं। फिट एंड फिनिश हो, प्लास्टिक की क्वालिटी हो, एंड मटेरियल क्वालिटी हो, टेक्नोलॉजी ड्रिवन गाड़ी है ये। विजिबिलिटी के मामले में भी ये मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि आगे अगर आप देखो तो कम्प्लीटली विजिबल इसका बोनट है, जिसकी वजह से ये एक अच्छी विजिबिलिटी देती है। आप क्लस्ट्रोफोबिक जगहों में निकलोगे बहुत ईजिली जो है वो इस गाड़ी को निकाल पाओगे। IRVM भी जो है वो अच्छे विजन के साथ में आता है। इसका ओवरव्यूम ज़्यादा बड़ा है कंपैरेटिव C3 एयरक्रॉस के। तो दोस्तों, ये तो हो गई ड्राइव दोनों ही गाड़ियों की, चलिए कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। गाइस, सिट्रॉन जो है वो मार्केट को और ज़्यादा कॉम्पिटेटिव बना दिया है बिकॉज ऑफ द एग्रेसिव प्राइसिंग एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पर 7 सीट एक ऐसा एलिमेंट है जो एक्चुअली में बहुत कामयाब होने वाला है फॉर इंडियन रोड्स। लेट्स सी कि थोड़ा थोड़ा जो है वो बढ़ता हुआ चला जाए। ऑन द अदर हैंड, अगर हम बात करें यहाँ पे होंडा एलिवेट की, तो तकरीबन 6000 यूनिट जो है वो होंडा एलिवेट यहाँ पे सेल आउट हुई दिवाली सीजन पे, विच वर ग्रेट नंबर्स फॉर होंडा, बिकॉज अब तो ये टॉप चार्ट्स में रहती है। होंडा एलिवेट जो है वो जब से आई है तब से होंडा के लिए जो है वो सुपर सेलिंग यहाँ पर रहती है। दोनों ही प्रोडक्ट्स काफ़ी कमाल के हैं, मज़ेदार हैं, एंड अगर कंक्लूड किया जाए तो होंडा के साथ में रिलायबिलिटी एक फैक्टर है, एक ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन, एंड फीचर्स आर सच अ थिंग जो होंडा एलिवेट को ज़्यादा सुपीरियर बनाता है। बट ऑन द अदर हैंड, अगर हम बात करें नो नॉनसेंस कार की, तो यहाँ पर फीचर्स तो कंपैरेटिवली काफ़ी कम है, बट ये आपको एडवांटेज देती है एक बेहतरीन ड्राइव क्वालिटी की। ये इसके सस्पेंशन ज़्यादा बेहतर तरीके से ट्यून्ड है। वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन में सिट्रॉन C3 एयरक्रॉस का कोई जवाब नहीं है, बिकॉज जहाँ पर बाकी गाड़ियों के लगभग सेकेंड वेरियंट स्टार्ट होते हैं या किस कुछ गाड़ियों के फर्स्ट वेरियंट आते हैं, वहाँ तक इसके जो है वो टॉप वेरियंट जो है वो यहाँ पर प्लेस हो जाते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है वैल्यू फॉर मनी में ज़्यादा बेहतर C3 एयरक्रॉस यहाँ पर करेगी। एंड फीचर रिच आपको गाड़ी चाहिए, एक रिलायबल प्रोडक्ट चाहिए, बहुत ज़्यादा खर्चा ना करवाए आपके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो होंडा का कोई मुकाबला यहाँ पर नहीं है। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में, आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। अनटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, कीप लर्निंग कार बाइक, व्हाटएवर यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।